गांधीनगर से विधायक अनिल बाजपेयी ने शांति मोहल्ला क्षेत्र में जाकर जनता के बीच वितरित किए डस्टबिन और सुनी समस्याएं। आप देख सकते हैं शांति मोहल्ला में विधायक अनिल बाजपेयी हैं। इन्होंने आपका विधायक आपके द्वार एक मुहिम चालू की है, जिसके तहत अपने अपने क्षेत्र में विधायक खुद जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। जहां आज शांति मोहल्ला गए, सबसे पहले सभी से उन्होंने अपील की कि घर का कूड़ा बाहर ना फेंकें और जो डस्टबिन दे रहे हैं इसी में रखें। इसके अलावा जो कुछ लोगों को जो गरीब थे उनको राशन भी दिया, जिससे कि वो अपना अपने परिवार का पेट पाल सकें। यहाँ के माननीय राजू प्रधान जी से मेरी बात हुई थी, मेरे कार्यालय में आए थे। तो हम लोग जिस तरीके का ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं मुहिम, इसी मुहिम के अंदर आपकी RW ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनका बहन जी का, गुप्ता जी का, माननीय और सबका, भाई सब का, कि आज हम लोगों ने यहाँ राशन के कूपन और डस्टबिन बांटे हैं। डस्टबिन हम लोगों ने इसलिए भी बांटे हैं कि लोग कूड़ा अपना बाहर न फेंकें, अपना घर में ही कूड़ा रख लें। और इसके बाद हम एक नई स्कीम अभी और शुरू करने जा रहे हैं कि डस्टबिन के साथ ब्लैक रंग की पॉलोथीन, उसका भी बांटने का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। जो अभी तो हम लोग यहाँ बांट रहे हैं, उसके बाद हम 2-3-4-5 गलियाँ आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लो राजीव जी ने कहा, प्रधान जी ने कहा, गुप्ता जी ने कहा, बहन जी ने कहा, तो हम एक एक गली का, एक एक घर का दरवाज़ा खटखटा के डस्टबिन, मास्क और मास्क के साथ साथ हम लोग काढ़ा और पॉलीथीन एक बैग जो है जिसके अंदर कूड़ा रखा जा सके, ये भी हम लोग अगले हफ्ते से ये मुहिम हम लोग चलाने वाले हैं। हमने रखा था जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनके आधार से उनको राशन मिले, हमारी उसमें सुनवाई हुई, डस्टबिन का सहयोग करा इन्होंने उन लोगों को, कूड़ा कचरा गली में ना फेंकें जिससे गंदगी ना मचे, इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ में सपोर्ट करा। हमारे माननीय विधायक जी बड़े भाई श्री अनिल वाजपेयी जी लगातार दरबार लगा रहे हैं, जनता का दरबार, जिससे रूबरू उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। आज कूपन वितरित किए और डस्टबिन और जो भी समस्याएं हैं उनको हल भी किया है, साथों साथ उनको आने में भी देर हो गई, क्योंकि जनता जब देखती है ना कि हमारे विधायक जी उनके बीच में आ रहे हैं तो रोकती भी है उनको, अपनी समस्याओं को बताती भी है, और इस चीज़ से उनकी जनता बहुत खुश है कि हमारे विधायक जी उनके समक्ष आ रहे हैं और उनके समाधान भी कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा और उनके साथ भी जनता बैठी हुई है और उनके सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है। पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये गांधीनगर का सौभाग्य है कि हमें ऐसे विधायक मिले हैं, पूरे कोरोना काल में और अब तक एक दिन भी घर में नहीं बैठे हैं और बिल्कुल जनता के बीच में बिगर कोई कोरोना का भय के दरबार में आ रहे हैं। हम लगभग 2000 पहले और 2000 अब 4000 कूपन बांट चुके हैं और अभी आगे भी आएंगे। हम पूरी पब्लिक को, पूरी गांधीनगर में लगभग सभी को जिनको ज़रूरत है उनको कूपन मिल चुके हैं। चला जी विधायक जी ने जो भी अपनी शिकायत कही है उन्हें पूरी करी है और सारे काम करें हमारे। क्या क्या शिकायत की थी आपने? जो भी गली है, सड़क है, डस्टबिन है, गरीब आदमी को राशन बांटा, पहले भी राशन बंटवाया उन्होंने और कैमरे भी लगवाने के पास सर्वे भी हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे विधायक साहब। आपके विधायक आपके दर पे हैं तो बहुत अच्छा लगा जी, विधायक साहब बहुत बढ़िया है हमारे और ऐसे विधायक साहब होने चाहिए हमारे, और हमारा क्षेत्र बहुत बढ़िया है और हमारे विधायक साहब जैसा कोई है भी नहीं क्षेत्र में।